जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम वीडियो लेके आए हैं जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। बेसिकली जो आज हम बात करेंगे वो एआई विद डिजिटल मार्केटिंग के वाले से मैं बात करूंगा या फिर एआई के टूल्स के वाले डिस्कशन करेंगे और एआई की वजह से जॉब्स बड़े परेशान हैं, लोग छिल रही हैं यानी जॉब हाथ से निकल रही हैं, उस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले हम एआई के आने के से डिस्कशन करते हैं। आप सब जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है तो परेशान नहीं होना। आप जब देखें जब रेडियो ज़माना था या रेडियो था तो तब रेडियो के बाद जब नेक्स्ट स्टेप आया टीवी का आया तो लोगों ने क्या समझा कि यार ये जदीद टेक्नोलॉजी आई है यार उससे क्या बनेगा। उससे तरक्की करते गए, दिन ब दिन टेक्नोलॉजी आती गई। वैसे ही जैसे टेक्नोलॉजी आती ही परेशानी नहीं हुई, वैसे ही जॉब्स इंक्रीज़ हुई, वैसे ही काम इंक्रीज़ हुआ। तो अब भी इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से लोग इंक्रीज़ हो रहे हैं। ये कभी ना सोचें कि इस आने से हमारी जॉब जा रही है, नहीं ऐसा नहीं है। आप लोग अगर उस कंडीशन के मुताबिक अगर एआई को अडॉप्ट करते हैं, आप लोग एआई सीखते हैं तो उसी के मुताबिक आपकी मार्केट में काम भी बढ़ जाएगा। अगर आप उसके मुतालिक नहीं सीखेंगे तो आपको कोई ना किसी बंदे ने रिप्लेस तो फिर करना ही करना है। तो फिर इसीलिए आप लोगों को क्या करना होगा, उसके मुतालिक अपने आप को लेके आना होगा। जिस तरह डिजिटल आ गया था, डेवलपमेंट का दौर आ गया था, फ्रीलांसिंग का दौर आ गया था, जॉब कम तो नहीं हुई थी, जॉब्स बड़ी थी। तो इसी तरह एआई के हवाले से परेशान नहीं होना, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, अब हम बात करते हैं जी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये किन किन चीज़ों में आप लोगों की मदद करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत काम के अंदर आपकी मदद कर सकता है। सबसे पहले मैं ज़ाती डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस रखता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग के वाले से बात करूँगा। अब डिजिटल मार्केटिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर सकता है, आपको डिलीवर करता है, क्या करता है, डिलीवर करता है पर्सनलाइज्ड मैसेज फ्रॉम कस्टमर, यानी एक लाइफ साइकिल डिलीवर कर रहा है। किस तरह आपके लिए आसानियाँ पैदा कर रहा है, आसानियाँ किस तरह पैदा कर रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं या ऐसी आ रही हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप डायरेक्ट टारगेट कर सकेंगे, अचीव कर सकेंगे। एआई पे काम करने के लिए कुछ डिजिटल मार्केटिंग के लिए टूल्स भी चाहिए होंगे जो आपको मज़ीद काम करने में आसानी पैदा करेंगे। क्या टूल्स चाहिए? नंबर वन, आपके सामने जैस्पर एआई ठीक हो गया, ये एक बेहतरीन टूल है डिजिटल मार्केटिंग में काम करने के लिए, हेल्प करेगा। दूसरा आता है जी कॉपी एआई, ईमेल मार्केटिंग के लिए काम करेगा, ठीक है। ईमेल जब काम ईमेल करते हैं या कंटेंट वगैरह में ये आपके लिए मदद करेगा। उसके बाद बजट फ्रेंडली ऑनलाइन स्टोर के लिए एक राइटर आपकी मदद करेगा, RYTR राइटर। उसके बाद एड सेट करने के लिए आपके पास क्या करेगा, राइट सोनिक आपकी मदद करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आपने डिज़ाइन तैयार करना है, आपका लोका एआई आपके लिए मदद करेगा। आपने ब्लॉग पोस्ट करना है तो शॉर्टली एआई आपकी मदद करेगा। आपने क्या करना है, वीडियो एडिटिंग करनी है तो पिक्टोरी एआई आपकी मदद करेगा। आप लोगों ने क्या करना है, पासिंग कंटेंट डिटेक्टर से काम करना है, वाट एआई आपकी मदद करेगा। और उसके अलावा आप लोगों ने बूस्टिंग करनी है तो अपना स्केलेनट आपके लिए एसईओ के लिए भी मदद करेगा, एसईओ के लिए बूस्ट करने के लिए। ई कॉमर्स के लिए काम करना है, डिस्क्राइबली एआई आपके लिए मदद करेगा। ये वो टूल्स हैं जो आपकी मदद करेंगे डिफरेंट काम करने के लिए। अब देखना कितनी आसानी पैदा हो गई है, आप तंग हो जाते थे काम करते हुए, वीडियो एडिटिंग करते हुए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हुए, एसईओ करते हुए, इतना कुछ करते हुए, लेकिन उस सब का सलूशन क्या है, ये टूल्स मौजूद हैं आपके पास। इन टूल्स की मदद से आप डिजिटल मार्केटिंग का काम करेंगे, ठीक हो गया। अब ये टूल्स आपकी मदद करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर काम करने के लिए। और उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर आप चाहते हैं कि आपकी जॉब आपका काम सिक्योर रहे तो आपको पता होता है कल्चर के मुताबिक और उस दौर के मुताबिक आपको काम करना पड़ता है। ये वो टूल्स बताएं जो आपको उस दौर के मुताबिक और उस कल्चर के मुताबिक आपकी मदद करेंगे। आपकी मदद किस तरह कर रहे होंगे, आपकी मदद इस तरह कर रहे होंगे, आप एआई का एक टूल है, आपने वीडियो एडिटिंग करनी है तो उसका टूल यूज़ करेंगे, फ़ौरन वीडियो एडिटिंग हो जाएगी। अगर आप नहीं सीखे होंगे ये चीज़ें,
आप पीछे रह जाएंगे, जो करंट बंदा सीख के आएगा वो आपकी जगह रिप्लेस हो जाएगा। अपने आपको रिप्लेस करने के लिए मार्केट में अपडेट रहना पड़ता है, जब तक अपडेट होते हैं जल्दी प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, तरक्की कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं AI ये आ रही हैं, इससे बेनिफिट भी हैं, हाँ नुकसान है करंटली है, लेकिन इसके बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इन फ्यूचर हमें ये काम करने के लिए मदद करेंगे। और दूसरा ये होता है कि आप लोग डिजिटल मार्केटिंग का जितना भी काम करेंगे तो आपको कोई कुछ भी नहीं गया, आपका फ़ायदा हुआ है। किस तरह फ़ायदा हुआ है, ये चीज़ें करने से इजी हुआ काम, क्लाइंट को मुतमिन करने का काम हुआ है, आपका बूस्टिंग जल्दी अप्रोचिंग का आपके लिए मदद करेगा ये, और टारगेटिंग ऑडियंस को और ज़्यादा मदद करेगा AI। और उसके अलावा क्या चीज़ है, AI आप ज़्यादा क्लाइंट्स कम वक्त में काम कर सकते हैं। जिस तरह पहले डिजिटल मार्केटिंग आई हम खुश हुए, बहुत ज़्यादा क्लाइंट हैंडल करेंगे, अब AI के जरिए और ज़्यादा आपका बिजनेस इंक्रीज़ होगा, रोज़गार ख़त्म नहीं होगा, रोज़गार आपका बढ़ेगा। अगली मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।